हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने बी सेल टी सेल के बारे में डिस्कस किया था। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडीज और द इम्यूनोग्लोबुलिंस, एंड वी हैव सीन कि हाउ दे फंक्शन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। ओके, सो टुडे वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ इम्यून सेल व्हिच आर एक्चुअली कैरिंग आउट द इम्यून रेस्पॉन्स ऑन द एंटीजेंस, इम्यूनिटी हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो इम्यूनिटी दो टाइप्स में क्लासिफाई हुआ है बेस्ड ऑन द सेल्स ऑन व्हिच दिस इज एक्टिंग। तो किस सेल पे वो एक्ट कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट इम्यूनिटी को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो दो टाइप की इम्यूनिटी क्या क्या होते हैं, एक होता है आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी, दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो द इम्यूनिटी विच इज मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट इज कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो जो इम्यूनिटी बी सेल्स कैरी आउट करते हैं या फिर बी लिम्फोसाइट कैरी आउट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल दैट एज द ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, और ये कैसे कैरी आउट होता है, इट इज कैरिड आउट बेसिकली बाय द बी सेल्स व्हिच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और उसी से ही ये इम्यूनिटी कैरी आउट होता है। ठीक है, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है दैट इज कैरिड आउट बाय द टी सेल्स, इट इज मीडिएटेड बाय द टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स। दिस इज डन बाय डायरेक्टली अटैकिंग द एंटीजेंस और द पैथोजेंस। तो टी सेल डायरेक्टली एक्ट करता है एंटीजेंस और पैथोजेंस पे और उनको डिस्ट्रॉय कर लेता है, तो उसको बोला जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब इसको सेल मीडिएटेड बोलने का रीजन ये है कि एंटीजन जो है वो डायरेक्टली टी सेल के कॉन्टेक्ट में नहीं आता, पहले वो एक डिफरेंट सेल के कॉन्टेक्ट में आता है जिसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोला जाता है। नाउ दिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विल होल्ड द एंटीजन एंड ब्रिंग इट टू द टी सेल और प्रेजेंट इट टू द टी सेल। नाउ द टी सेल कैन डिस्ट्रॉय द एंटीजन, तो दैट काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड अ सेल मीडिएटेड। तो यहाँ पे टी सेल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है, एंटीजन को पहले एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैरी करेगा, उसको लाके टी सेल के पास छोड़ देगा, टी सेल उसको डिस्ट्रॉय कर लेगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट। नाउ दिस टी सेल ऑल्सो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शंस। नाउ व्हाट आर ग्राफ्ट रिजेक्शंस, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट and even after this patient has to take immunosuppressants all his or her life because the body is able to differentiate between self and non-self. The cell-mediated immune response is responsible for this kind of process. Okay, or the graft rejection. Agar hum log specify karein, to usko graft rejection bola jata hai. Now, what is actually happening here is, जब भी आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो, इफ यू ट्रांसप्लांटिंग एन ऑर्गन, सपोज किसी पेशेंट का सपोज किडनी फेलियर हो गया और उसको कोई किडनी चाहिए, नाउ व्हेन यू आर ट्रांसप्लांटिंग ए ऑर्गन टू ए पेशेंट, आवर बॉडी हैज ए मैकेनिज्म टू नो व्हिच इज इट्स ओन सेल एंड व्हिच इज ए फॉरेन सेल। हमारे बॉडी का सेल्फ नॉन सेल्फ मैकेनिज्म होता है, इसका मतलब यह है कि हमारा बॉडी जानता है कि कौन सा हमारे बॉडी का सेल है और कौन सा बाहर का सेल है। तो जब आप कोई डिफरेंट ऑर्गन फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सन इम्प्लांट करते हो किसी भी पेशेंट में, तो पेशेंट का बॉडी क्या है कि उसको एक नॉन सेल्फ सेल की तरह ट्रीट करेगा, नॉन सेल्फ ऑर्गन की तरह ट्रीट करेगा, मींस इट विल ट्रीट इट लाइक ए फॉरेन ऑर्गन। एज अ रिजल्ट इट विल स्टार्ट टू कैरी आउट ए रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज ग्राफ्ट रिजेक्शन रिएक्शन। इसको ग्राफ्ट रिजेक्शन रिएक्शन बोला जाता है, एंड दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द टी सेल्स और द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो आप कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हो, कोई ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, यू कैनॉट ग्राफ्ट ए टिश्यू इनटू ए पेशेंट और यू कैनॉट ट्रांसप्लांट एन ऑर्गन इनटू ए पेशेंट। तो हाउ इज इट डन, इट इज डन बाय द यूज ऑफ दिस केमिकल्स कॉल्ड एज इम्यूनोसप्रेसेंट्स। तो ग्राफ्टिंग करने के बाद या फिर ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद ये केमिकल सब्सटेंस पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जो होते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स। दे विल सप्रेस द इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को वो लोग सप्रेस कर देंगे एंड दे विल नॉट अलाउ देम टू कैरी आउट दिस ग्राफ्ट रिजेक्शन रिएक्शन। और ये जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स है, इट हैज टू बी टेकन बाय द पेशेंट समटाइम्स इवन फॉर द लाइफ टाइम। तो उसको लाइफ टाइम तक भी लेना पड़ सकता है, थ्रू आउट द लाइफ दे हैड टू टेक दिस,
बिकॉज ऑफ द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिफरेंशिएशन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सेल्फ नॉन सेल्फ डिफरेंशिएशन की वजह से. नाउ लेट अस सी हाउ इट फंक्शंस. तो ये चार्ट आपका एक्सप्लेन करता है, दिस डायग्राम एक्सप्लेन्स द डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, जो एंटीजेंस या पैथोजेंस होते हैं व्हेन दे एंटर इनटू द बॉडी दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द बी सेल. तो पहले वो लोग बी सेल के कॉन्टैक्ट में आएंगे, जैसे ही बी सेल के कॉन्टैक्ट में आएंगे बी सेल डायरेक्टली एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा. वो क्या करता है, वो मैच्योर हो जाता है इनटू प्लाज्मा सेल इन ए नियर बाय लिम्फोइड ऑर्गन, किसी आसपास के लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर चला जाएगा, वहां पे मैच्योर करेगा इनटू प्लाज्मा सेल्स. नाउ दिस प्लाज्मा सेल्स विल रिलीज द एंटीबॉडी व्हिच विल बाइंड टू द एंटीजन एंड न्यूट्रलाइज देम. तो ये जो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे वो एंटीबॉडी जाके एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, लाइक हियर एज वी आर सीइंग. ठीक है, तो एट द सेम टाइम दिस बी सेल ऑल्सो प्रोड्यूस सम टर्न मेमोरी सेल्स. ये जो बी सेल है जब वो मैच्योर करता है उसी टाइम पे वो कुछ मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस करता है. अब ये मेमोरी सेल का काम ये है कि दे रिमेंबर कि उस एंटीजन के अगेंस्ट में कौन सा एंटीबॉडी फंक्शनल होता है. सो दे विल रिमेंबर दैट दिस एंटीजन कैन बी न्यूट्रलाइज बाय दिस एंटीबॉडी. तो अगर नेक्स्ट टाइम वही एंटीजन आपके बॉडी में एंटर करता है तो साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली ओनली दैट एंटीबॉडी विल बी प्रोड्यूस्ड व्हिच विल न्यूट्रलाइज द एंटीजन. तो उसको हम लोग सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स बोलते हैं, विच वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस. ठीक है, तो ये हो गया आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, ये देखिए आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, व्हिच आई वाज टेलिंग यू इन द प्रीवियस स्लाइड. ये एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो क्या करेगा, पहले एंटीजन से बाइंड कर लेगा. एज यू कैन सी हियर द एंटीजन इज बाइंडिंग टू दिस सेल्स. नाउ इट विल ब्रिंग द एंटीजन एंड प्रेजेंट इट टू द टी सेल एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. तो वो एंटीजन को टी सेल को प्रेजेंट कर देता है, इट विल गिव इट टू द टी सेल. नाउ व्हाट द टी सेल विल डू, इट विल डिस्ट्रॉय द एंटीजन और द पैथोजन. साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा. ओके, सो दैट इज हाउ द सेल्यूलर इम्यूनिटी वर्क्स और द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वर्क्स. एट द सेम टाइम एक और भी मैकेनिज्म होता है कि टी सेल, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल, उनमें से एक टी सेल होता है टी हेल्पर सेल, टी एच सेल जो यहाँ पे लिखा है. टी एच सेल क्या करेगा, यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल तो डिस्ट्रॉय करता ही है, एट द सेम टाइम टी हेल्पर सेल भी प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द सेल्यूलर इम्यूनिटी. और ये टी सेल क्या करेंगे, दे विल सेंड सिग्नल टू द मेमोरी सेल्स टू एक्टिवेट द प्लाज्मा सेल टू रिलीज एंटीबॉडी. तो टी हेल्पर सेल बी सेल से हेल्प मांगते हैं टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजन. तो ये टी सेल खुद कोई इम्यूनिटी कैरी आउट नहीं करेगा, लेकिन वो बी सेल का हेल्प लेगा टू डिस्ट्रॉय द एंटीजन. एट द सेम टाइम मैक्रोफेजेस आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. मैक्रोफेजेस आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे जो ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है व्हेन द एंटीजन बाइंड्स टू द एंटीबॉडीज, तो इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं मैक्रोफेजेस. एट द सेम टाइम मैक्रोफेजेस आर ऑल्सो नोन टू कैरी आउट फेगोसाइटोसिस. वो लोग फेगोसाइटोसिस भी साइमल्टेनियसली कर लेते हैं. सो दिस इज हाउ ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट एंड दे कैन को एग्जिस्ट, दे कैन वर्क टूगेदर. दोनों इम्यूनिटी एक साथ भी कैरी आउट हो सकते हैं, दे कैन बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली. ठीक है, नाउ बिसाइड्स दैट वी कैन ऑल्सो डिवाइड इम्यूनिटी इंटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एंटीबॉडी. एंटीबॉडी खुद बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है या फिर बाहर से आप डाल रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट हमने इम्यूनिटी को दो टाइप में डिवाइड कर लिया है. एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि योर बॉडी इज कैपेबल इनफ टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजन. तो आपका बॉडी एक्टिवली इम्यूनिटी जनरेट कर रहा है, वो खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है और वो एंटीजन से पैथोजन से खुद लड़ रहा है. ठीक है, सो व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन्स व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी. फॉर एग्जाम्पल, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड व्हेन एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स योर बॉडी. तो जब भी कोई एंटीजन पैथोजन आपके बॉडी में एंटर करता है तो आपका बॉडी खुद एक्टिवली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, वो खुद एक्टिवली लड़ता है वो स्पेसिफिक डिजीज के साथ, उस स्पेसिफिक पैथोजन के साथ. तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बॉडी खुद नहीं लड़ सकता, और बॉडी विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट एन इम्यून रिस्पॉन्स और प्रोड्यूस ए सफिशियंट अमाउंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट एन एंटीजन और पैथोजन. तो इन दैट केस पैसिव इम्यूनिटी कम्स इन टू प्ले. पैसिव का मतलब होता है हमारा बॉडी खुद नहीं कर पा रहा है, हमको बाहर से मदद चाहिए, वी टेक इम्यूनिटी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी.
So when ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign antigens, this type of immunity is called as passive immunity. तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। आर्टिफिशियली हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है। तो जब बाहर से हम लोग एंटीबॉडीज लेते हैं और एक इम्यूनिटी डेवलप करते हैं किसी भी एंटीजन पैथोजन के अगेंस्ट में, उसको बोलाता है पैसिव इम्यूनिटी। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इज द येलोइश फ्लूइड कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉम सिक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन which has abundant antibodies called IgA to protect the infant. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। IgA is called as cholesterol antibody because it is present in the colostrum, in the mother's milk. तो मदर मिल्क जो प्रोड्यूस होता है इनिशियल लैक्टेशन पीरियड में, उसमें ये एंटीबॉडी होता है जिसको हम लोग IgA बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, और ये चाइल्ड को उसके इनिशियल डेज में प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एंटीजेंस, पैथोजेंस और डिजीजेस। तो यहाँ पे देखो ये जो एंटीबॉडी है वो मदर के बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो चाइल्ड के बॉडी में जाते ही चाइल्ड को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सो द चाइल्ड बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी बाय हिमसेल्फ, ही इज टेकिंग द एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर। ओके, तो ये हो गया आपका पैसिव इम्यूनिटी। नाउ ब्रॉडली हमने इन दोनों को भी फिर डिवाइड कर लिया है। एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, सिमिलरली पैसिव इम्यूनिटी कैन ऑल्सो भी डिवाइडेड इंटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल क्या है? अगर नेचुरली कोई एंटीजन आपके बॉडी में एंटर करता है और आप उसके अगेंस्ट में एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हो थ्रू आउट द लाइफ टाइम, तो दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल। आर्टिफिशियल क्या होता है? वैक्सीनेशन। तो जो वैक्सीन हम लोग लेते हैं वो एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में हो सकते हैं, एटेन्यूएटेड फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर वेरी माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन में हो सकते हैं। तो जब ये एंटीजन हम लोग आर्टिफिशियली हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, खुद रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और वो लाइफ टाइम के लिए रह जाता है। तो अगर आपने पोलियो वैक्सीन लिया, दैट मीन्स कि थ्रू आउट द लाइफ टाइम विल नॉट सफर फ्रॉम पोलियो। तो पोलियो वैक्सीन जो आप लोग लेते हो वो कोई मेडिसिन नहीं है, वो वही एंटीजेनिक पार्टिकल है जो आपको पोलियो कॉज कर सकता है। उसको हम लोग जानबूझ के आपके बॉडी में डालते हैं सो दैट आपका बॉडी उसके लिए अपना खुद का एक इम्यून सिस्टम डेवलप कर ले, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर ले। ठीक है, सो दैट इज द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड, मदर्स मिल्क मैटरनल एंटीबॉडीज दैट इज IgA, थ्रू द मदर्स मिल्क द चाइल्ड और द इन्फेंट गेट्स द एंटीबॉडीज व्हिच प्रोवाइड्स इट इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल क्या होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। नाउ दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक एंटीजन आर्टिफिशियली। जब आपका खुद का बॉडी कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो आर्टिफिशियली हम लोग एंटीबॉडी बनाते हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट में और उसको आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, इनटू ए पेशेंट्स बॉडी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी आप लोग दे सकते हो, एंटी वेनम। नाउ इफ ए स्नेक और स्पाइडर और स्कॉर्पियन इज बाइटिंग एनी ह्यूमन बींग, तो वो वेनम इंजेक्ट कर देता है आपके बॉडी में। नाउ रिमेंबर आवर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस एंटी वेनम, हमारे बॉडी में एंटीवेनम प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी नहीं होता, तो एज ए रिजल्ट हमको एंटीवेनम बाहर से बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है। नाउ दिस एंटीवेनम इज प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, बेसिकली फ्रॉम द हॉर्स एंड स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हैविंग ऑर्गेनिजम्स, उनसे बनाया जाता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है, उसको हम लोग थ्रू ए सिरिंज विल इंजेक्ट इट इनटू योर बॉडी। तो पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप का होता है, नेचुरल व्हिच कम्स थ्रू द मदर्स मिल्क, आर्टिफिशियल व्हिच कम्स थ्रू आइदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और इन द फॉर्म ऑफ एंटीवेनम। So students, this is all about the different types of immunity. In the next class, we'll move on to the allergies. Thank you. Thank you, everyone.